स्टूडेंट स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रमेश कुमार एंड आप मेरे साथ हैं डाउट सेशंस में। और आज का जो डाउट है बेटा वो बहुत प्यारा डाउट है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्लोज ड्राई रिलेटिवली इजीली इन ए एनवायरमेंट वेयर द, ये बोल रहा है कि जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई होते हैं रिलेटिवली इजीली आसानी से इन एन एनवायरमेंट वेयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज हाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो या रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएट्स। किस तरह के एनवायरमेंट में आपके जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई होंगे रिलेटिवली इजीली। देखिए क्लोथ्स ड्राई होने का फंक्शन क्या है, सीधी सीधी बात है भाई, क्लोथ्स का क्लोथ्स में जो क्या होता है, देखो क्लोथ्स हम बाहर रखते हैं ड्राई होने के लिए, ठीक है। अब क्या होती है, एयर बह रही है, ठीक है ठीक है, या नहीं भी बह रही कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो हो क्या आ रहा है, जो आपके वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, कहां जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एयर की कैपेसिटी वाटर वेपर लेने की ज्यादा है, एयर की कैपेसिटी, अगर ड्राई एयर है, हम बोले कि किसी जगह पे ड्राई एयर है, ठीक है, मतलब ड्राई एयर है उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर बहुत कम है, तो इसका मतलब उस पर क्या है, उस पर कैपेसिटी है ज्यादा अभी लेने की, वाटर वेपर लेने की, तो मतलब वो ज्यादा वाटर वेपर ले सकता है। अगर वो ज्यादा लेने की क्षमता है उसके पास है, उस केस में क्या होगा, उस तरह के एनवायरमेंट में आपका क्या होगा, क्लोथ जल्दी ड्राई हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलू जैसे जुलाई का महीना होता है, जुलाई अगस्त का महीना बहुत मॉइस्चर होती है, ठीक है। अब बेटा मॉइस्चर अगर है तो मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट एयर होती है बहुत, मतलब कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो काफी हाई होती है, मतलब कि अब मतलब अगर मैं बोलू कि 100 मॉलिक्यूल लेने की क्षमता है एयर के अंदर, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट टोटल अगर मैं बोलूं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 मॉलिक्यूल लेने की जो सेचुरेशन कंडीशन होती है वो 100 मॉलिक्यूल्स की है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में अगर उस पे 90 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हैं, क्योंकि एयर क्या है, मॉइस्ट है, मॉइस्चर है बहुत ज्यादा, नमी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके पास क्षमता सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स लेने की है, तो ऑब्वियसली वाटर वेपर जो क्लोथ से निकलेगे वो उसके सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल ले पाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब है कि जितने कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज्यादा उसके पास स्पेस अवेलेबल होगा एयर के पास वाटर वेपर को अब्सॉर्ब करने का, ठीक है, और जितना उसके पास स्पेस अवेलेबल होगा उतना ज्यादा वो वाटर वेपर अब्सॉर्ब करेगा, और जितना ज्यादा वो वाटर वेपर अब्सॉर्ब करेगा उतनी जल्दी आपके कपड़े सूखेंगे, उतनी इजीली आपके कपड़े सूखेंगे। इसीलिए जो ड्राई एनवायरमेंट है वहां पर कपड़े सुखाना बहुत ईजी होता है, और मॉइस्ट एनवायरमेंट जो मॉइस्चर का जो एनवायरमेंट होता है वहां पे कपड़े सुखाना आपके लिए बहुत टफ होता है। इवन मॉइस्चर के एनवायरमेंट आप देखेंगे तो आपके जो नॉर्मल जो कपड़े रखेंगे वहां वही आपके हल्के फुल्के गीले होने लग जाते हैं, ठीक है। तो सारा खेल बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से कोई मतलब नहीं है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपकी लो है किसी एनवायरमेंट में तो इसका मतलब है कि उसके पास अभी अच्छी खासी कैपेसिटी बची हुई है वाटर मॉलिक्यूल्स लेने की, वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है उनको लेने की, उनको अब्सॉर्ब करने की अच्छी खासी कैपेसिटी उसके पास बची हुई है, तो इस तरह के एनवायरमेंट में क्लोथ्स जो है इजीली आपके ड्राई हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन एक सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।